video, we have already discussed about the Faraday first law of electrolysis and their numericals. Now in this lecture, we will discuss about the Faraday second law of electrolysis and some more numericals based on Faraday law of electrolysis. ये जो फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ही रिजल्ट है, वही से निकाला गया है। कई बार जिस क्या होती है फेराडे सेकेंड लॉ की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है कि हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइस को सेम चार्ज पास करें, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइस के सोल्यूशन में सेम चार्ज पास करें, सेम इलेक्ट्रिसिटी दें, तो जो वेट डिपॉजिट होगा, वेट डिपॉजिट का जो रेशियो होगा वो उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, इफ सेम चार्ज इज पास इन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स देन द रेशियो ऑफ देयर वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमने क्या किया, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड दोनों के एक्वस सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास किया, तो जो वेट डिपॉजिट होगा सोडियम का कैथोड के ऊपर और कैल्शियम का कैथोड के ऊपर, वेट डिपॉजिट का जो रेशियो होगा सोडियम और कैल्शियम का, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल ही होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, हम फेराडे फर्स्ट लॉ से ही इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट लॉ में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो क्या था वेट निकालने का, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू क्यू अपॉन 96500। ये हम था हमारे पास, सपोज करो एक सब्सटेंस के अंदर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो है W1 और उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E1। अब दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो है W2 और इक्विवेलेंट वेट है E2 इनटू क्या हो अपॉन 96500। W1 एक सब्सटेंस का जो वेट है, दूसरे सब्सटेंस का W2, इसका इक्विवेलेंट वेट है E1, इसका इक्विवेलेंट वेट है E2। अगर क्या हो दोनों के अंदर सेम कर दें, सेम एक ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो सेम चार्ज दे रहे हैं, क्या हो दोनों के अंदर सेम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2, यानी कि जो वेट डिपॉजिट का जो रेशियो वो उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वली आएगा। वैसे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जरूरी नहीं, इसका कोई ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कई बार इसकी अलोन डेफिनेशन फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब जैसे इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हमने क्या किया एक के अंदर हमने NaCl डाल दिया और एक के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, दोनों को हमने क्या किया सेम बैटरी से कनेक्ट कर रखा है दोनों सॉल्यूशन को, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, एक में NaCl भरा है एक में कैल्शियम क्लोराइड भरा है। अब अगर हम इनमें सेम चार्ज दें, जैसे कि हम चार्ज जो दे रहे हैं वो 96500 को हम चार्ज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, जो सोडियम का जो वेट डिपॉजिट होगा WNa वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इनटू चार्ज कितना है 96500 अपॉन 96500। वेट डिपॉजिट होगा कैल्शियम का वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 96500 अपॉन 96500। तो वेट डिपॉजिट ऑफ सोडियम अपॉन वेट डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। ये तो हमने फॉर्मूले से समझा, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं। अब सोडियम क्लोराइड की कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा Na में, तो एक मोल सोडियम यानी कि 23 ग्राम सोडियम, एक मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम के डिपोजिशन में कितने चार्ज की जरूरत पड़ी, एक मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 96500 कूलम जो चार्ज है वो एक मोल सोडियम यानी कि 23 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस करेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड में आ जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम CO2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है जो दो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, तो 2 × 96500 कूलम जो चार्ज होगा वो कैल्शियम एक मोल प्रोड्यूस करेगा, एक मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम प्रोड्यूस करेगा, जबकि हमने जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है 96500 कूलम दिया है, तो 96500 कूलम जो है वो कितना हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा, हाफ मोल का मतलब 20 ग्राम।
तो हमने चार्ज दोनों के अंदर ही कितना दे रखा है, सेम 9650 कूलम। सोडियम कितना डिपॉजिट हुआ, 23, और कैल्शियम कितना डिपॉजिट हुआ, 20। ये आ गया हमारे पास वेट, जो डिपॉजिट हुआ वो है 23, और ये कितना है 20, और सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 ही है, एटॉमिक वेट ही इक्विवेलेंट वेट होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, और कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 20 होता है क्योंकि एटॉमिक वेट 40 अपॉन वैलेंसी क्या होती है कैल्शियम की 2। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में कोई वो नहीं है कि किस पे से फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल है, या क्योंकि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का रिजल्ट भी हमने फैराडे फर्स्ट लॉ से ही निकाला है। हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको आप फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यूटिलाइजेशन करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इक्वल चार्ज इज पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O एंड एक्वस कॉपर सल्फेट। इफ 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट एट कैथोड, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली है, एक में वाटर भरा गया है और एक में डाला गया है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों को सेम चार्ज दिया गया है, और जो वाटर वाली जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी कैथोड के ऊपर 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुई है। ये STP के ऊपर लिख लो, इसको हम STP के बोल देंगे। तो हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुई है कैथोड के ऊपर 11.2 लीटर। तो कह रहा है कि जो हमारा जो कैथोड कॉपर सल्फेट वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें कैथोड के ऊपर कॉपर का जो वेट डिपॉजिट होगा वो हमें निकालना है। हम इन दोनों को ही यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमने फॉर्मूला निकाला था अभी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, उससे पहले हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो वाटर का जब हम रिडक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर का रिडक्शन होगा तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में क्या निकलेंगे, OH-, इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2+2OH-, कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी यहाँ पर, दो हाइड्रोजन जो है वो अपने प्लस वन से जीरो में जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रही है। तो इसी एक्शन में देखो, अब एक मोल हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में दो मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 2 फैराडे, यानी कि 2×9650 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है 2×9650 कूलम जो चार्ज है वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, हमें चार्ज नहीं बताया गया कि जिस बैटरी से हमने इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट किया गया है वो कितना चार्ज दे रहा है, बट हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्योंकि अब की बार हमें क्या किया गया, अमाउंट दे रखी है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे रखा है STP कंडीशन के ऊपर। तो वॉल्यूम से मोल और मोल से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं ना, वाइस वर्सा कर सकते हैं, वेट दिया है तो चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चार्ज निकाल लेंगे इसका यूज़ करके, जो वॉल्यूम दिया है हाइड्रोजन गैस का उसका यूज़ करके हम चार्ज निकाल सकते हैं कि बैटरी से कितना चार्ज मिल रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो तुम देख रहे हो कि एक मोल हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में चार्ज कितने चार्ज की जरूरत है, 2 फैराडे यानी 2×9650 कूलम की। इससे क्या बनेगा, एक मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब STP कंडीशन के ऊपर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बट हमें तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो कितनी दी गई है, 11.2 लीटर। अब तुम्हें पता चल रहा है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन में 2×9650 कूलम चार्ज की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इट मीन 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कितने चार्ज से प्रोड्यूस हो जाएगी, 1 फैराडे या 9650 कूलम से। तो क्या हो जाएगा, 9650 कूलम जो चार्ज होगा वो 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा एट STP। तो अब हमें चार्ज का पता चल गया कि बैटरी से कितना चार्ज मिल रहा है इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो 9650 कूलम चार्ज बैटरी से मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अब कॉपर वाले में आ जाते हैं, जो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है वो चाहे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करें या कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ करें, कैथोड के ऊपर तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा। तो CO2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, यानी कि 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 मोल कॉपर बनाएगा। 1 मोल कॉपर का मतलब एटॉमिक मास कितना, 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम
दो मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 2 फेराडे या 2 × 2 × 9 = 5 × 0 कूलम जो चार्ज है वो कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, या ये कह लीजिए कि 63.5 ग्राम। बट अब हमें पता चल चुका है कि बैटरी से चार्ज कितना मिला है, 9650 कूलम मिला है। तो 9650 कूलम जो चार्ज है वो कितना कॉपर प्रोड्यूस कर देगा, 9650 कूलम जो चार्ज होगा वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर प्रोड्यूस करेगा ना, यानी कि 9650 × 63.5 / 2 × 9650। तो ये क्या आ जाएगा, 31.75 ग्राम। 31.75 ग्राम जो वेट है कॉपर का वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप 9650 ग्राम चार्ज दोगे, ये एक इक्विवेलेंट चार्ज है, एक इक्विवेलेंट चार्ज दोगे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। और ये हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम निकाला, इससे तुम मास भी तो निकाल सकते हो। 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या, हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब 1 ग्राम। इसी को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जैसे फॉर्मूला था मोल हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, I × P/βF × 9650। वैलेंसी फैक्टर किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के मोल निकाल लो, I × T यहाँ पर जो दिया गया है हमें, और दूसरे में हम निकाल देते हैं मोल कॉपर के, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I × T / βF × 9650। अब हमें I × T को इक्वल करना पड़ेगा, दोनों के अंदर I × T = क्या है, इक्वल है, तो दोनों का हमें रेशियो ले लेंगे। वैलेंसी फैक्टर हमें पता है, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ पर तुम देख रहे हो 1 मोल हाइड्रोजन गैस के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो एक के बनते दौरान जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वही क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या है, 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mol H2 / mol Cu। ये हमारे पास आ जाएगा is equal to 1, वन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास मोल डिपॉजिट हुआ रेशियो 1/1 आ गया, यानी कि जो वेट डिपॉजिट हुआ, 1 मोल का वेट निकाल लो, मोल वेट हाइड्रोजन और वेट कॉपर, ये कितना आ गया, 2/63.5, ये क्या आ जाएगा, 1/31.75 ग्राम। यानी कि जो वेट डिपॉजिट हुआ है वो 1/31.75 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो जो वेट का जो रेशियो आया वो देखो, उनके इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन / इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के इक्वली आ गया ना। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना 1 और कॉपर का कितना है 31.75। तो जो वेट डिपॉजिट हुआ है वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वली हुआ है, वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सारे फेराडे के न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ यूनिटरी मेथड से भी हो रही है। अब जैसे हमने फेराडे की जो यूटिलाइजेशन ली है वो अब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ली है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी तो फेराडे की यूटिलाइजेशन होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, हम चार्ज दे रहे थे तो वेट डिपॉजिट हो रहा था। तो फेराडे के जो लॉ है वो तो हमें चार्ज और वेट दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं ना। अगर हमें वेट दे दिया जाए तो हम चार्ज भी तो निकाल पा रहे हैं। तो जो हमने गैल्वेनिक सेल की थी उनमें तो क्या हो रहा था, सब्सटेंस यूटिलाइज हो रहे थे, यानी कि मास यूटिलाइज हो रहा था और उससे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। तो हम गैल्वेनिक सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी गैल्वेनिक सेल के अंदर इतना वेट जो है सब्सटेंस का यूटिलाइज हो रहा है, इतना रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सेल जो होगी वो कितना पोटेंशियल डेवलप करेगी, यानी कि कितना चार्ज देगी, हम ये भी निकाल सकते हैं। अब जो गैल्वेनिक सेल होती हैं उनकी हम कुछ एक टाइप करेंगे आगे के न्यूमेरिकल करने के लिए। गैल्वेनिक सेल जो होती हैं, गैल्वेनिक सेल को हम बैटरी भी बोल देते हैं। ये दो तरह की होती है गैल्वेनिक सेल और बैटरी, एक होती है रिचार्जेबल और एक क्या होती हैं, नॉन रिचार्जेबल। तुम्हें भी पता है कि मार्केट के अंदर दो तरह के सेल्स आते हैं, कुछ जैसे हमारे फ़ोन के अंदर जो सेल लगा है, जो बैटरी लगी है वो रिचार्जेबल है, एक बार ये डेड हो जाती है तो हम इसको रिचार्ज कर लेते हैं पावर सप्लाई देके।
जबकि हमारी जो टॉर्चिज वगैरह के अंदर या हमारी जो वॉचिज वगैरह के अंदर सेल लगे हैं वो नॉन रिचार्जेबल है, यानी कि एक बार अगर वो वहाँ पर क्या हो गया, डेड हो गया, तो हम उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जो रिचार्जेबल होती हैं जो बैटरी, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल, जितने भी बैटरी सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब क्या हैं, गैल्वेनिक सेल के ही एग्जाम्पल हैं। तो जो रिचार्जेबल सेल होते हैं या रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, सेल और बैटरी का यहाँ पर एक ही मतलब होता है। क्या होता है, वैसे तो बहुत सारी सेल्स को आपस में कनेक्ट करके बैटरी बनाई जाती है। एक सेल का पोटेंशियल कम होता है तो दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट करके बैटरी बना दी जाती है, बट यहाँ पर हम सेल और बैटरी को विदाउट डिस्टिंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी है, जैसे हमारे टॉयज़ के अंदर, हमारे सेल के अंदर, रिमोट के अंदर, जितने भी सेल यूज़ हो रहे हैं हमारे फ़ैन के अंदर, वो सब क्या है, गैल्वेनिक सेल है। उनके अंदर क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और उससे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये भी दो तरह के हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो टॉर्चिस के अंदर या हमारी वॉचिस के अंदर जो ज़्यादातर या हमारे रिमोट्स वगैरह में जो सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, नॉन रिचार्जेबल है। वो एक बार डेड हो जाते हैं तो फिर हम उनको फेंक देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको हम वो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। इवन इलेक्ट्रिसिटी दे के भी हम उस प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर पाते। जबकि जो रिचार्जेबल सेल होंगी उनमें एक बार जो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगी, हमारी कंप्लीट होगी, पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोडक्ट को वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के। तो जो हमारे गैल्वेनिक सेल हैं, जो रिचार्जेबल गैल्वेनिक सेल हैं, वो दो काम कर रही हैं। जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं यानी कि वो डिस्चार्ज हो रही है। अब जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर बैटरी है, उसी को ले लो हम। इन्वर्टर बैटरी जैसे क्या है, लाइट चलेगी तो इन्वर्टर बैटरी हमारी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो जब यूज़ हो रही है वो, तो उस टाइम क्या हो रहा है, उसके अंदर एक फॉरवर्ड प्रोसेस में एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब वो चार्ज दे रही है बैटरी, गैल्वेनिक सेल जो है जब चार्ज दे रही है, तो उस टाइम उसको हम बोल देते हैं गैल्वेनिक सेल, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिस्चार्जिंग। तो सेल के, गैल्वेनिक सेल की डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हो रहा है, इट एक्ट एज गैल्वेनिक सेल, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। बट व्हेन आवर गैल्वेनिक सेल इज डेड, देन इट रिक्वायरमेंट ऑफ रिचार्ज। जब हमारी गैल्वेनिक सेल डेड हो जाती है तो उसको हम रिचार्ज करते हैं। उस टाइम क्या होता है, वहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, पूरी तरह से पूरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब फॉरवर्ड प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी, वो सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करेगी। फिर हम उसको क्या करते हैं, क्या होता है, डेड हो जाती है हमारी बैटरी, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दे के ही वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना है उसको हम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट इलेक्ट्रिसिटी दे के हम उसको क्या करवाते हैं, प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, चार्जिंग। चार्ज कर रहे हैं अब हम, तो जब हम चार्ज करते हैं किसी रिचार्जेबल सेल को, तो उस टाइम वो किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी दे के। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं वो दोनों सेल की तरह एक्ट करती हैं। डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, वो गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करती हैं, यानी कि रिएक्शन चल रही होगी और चार्ज प्रोड्यूस होगा। जबकि चार्जिंग के दौरान क्या होगा, जब हम उसको रिचार्ज करते हैं, रिचार्जिंग के दौरान नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उससे क्या होगा, प्रोसेस अपने आप बैकवर्ड प्रोसेस जो होगी वो होने लगेगी। तो जैसे हम यहाँ पर डैनियल सेल का एग्जांपल लेके इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरी को। रिचार्जेबल बैटरी, अब दो प्रोसेस हो रही हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, चार्जिंग या रिचार्जिंग भी बोल सकते हो। डिस्चार्जिंग जब क्या होती है, बैटरी यूज़ हो रही होती है। अब जैसे हमारे पास सेलफोन है तो उसकी बैटरी यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग हो रही है, तो जैसे उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रही है ए से बी में,
ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप चल रही है, और इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कह लो या चार्ज जो होगा वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये डेड हो जाती है तो उस टाइम क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी। रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब क्या है कि ये अपने आप भी ए में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, बी का ए में कन्वर्ट होना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अब क्या करेंगे, हम वापस बी को ए में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या बनाएंगे, स्पॉन्टेनियस। जब सारा का सारा ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और चार्ज प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टॉप होते ही सेल भी, बैटरी जो होगी वो डेड हो जाएगी। फिर हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, उसको चार्ज देंगे। चार्जिंग के दौरान मतलब क्या होगा, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करेंगे तो बी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, ए में, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बन गई, अब होने लगी इलेक्ट्रिसिटी के हाथ से। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या की हमने, सप्लाई की है ना, तो यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होते हैं डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में, और सप्लाई की है तो ये अब जहाँ पर प्रोसेस होती है और चार्ज प्रोड्यूस होता है उस टाइम ये किसका काम करती है, गैल्वेनिक सेल। और जहाँ पर प्रोसेस चार्ज दे के प्रोसेस को करवाया जाता है वहाँ पर भी ये किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है ना वो दोनों का काम करती है, गैल्वेनिक सेल का भी और इलेक्ट्रोलाइट का भी। डिस्चार्जिंग के दौरान गैल्वेनिक और चार्जिंग के दौरान किसका काम करेंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेंगी। अब जो पॉपुलर गैल्वेनिक सेल है वो है हमारी डैनियल सेल, तो इसको हम डैनियल सेल के एग्जाम्पल से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डैनियल सेल में क्या होता है, कॉपर जिंक का यूटिलाइजेशन होता है। तो डैनियल सेल में हमने क्या किया था, प्रिपरेशन कैसे की थी, अगर एक बार इसका डायग्राम देखें तो हम जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें हम भरते हैं, डैनियल सेल में क्या होती है, जो नेट रिएक्शन हो रही है वो मैं लिख रही हूँ, क्या नेट रिएक्शन होगी, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव मेटल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीडेशन और लेस रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस तो अपने आप होगी, हमें तो सिर्फ क्या करना है, इसको आपस में मिक्स करके रखना है, जिंक रोड रख देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, प्रोसेस अपने आप होने लगेगी। बट जो रिवर्स प्रोसेस है, अगर हम ये प्रोसेस करवाना चाहें तो क्या ये प्रोसेस वापस जो प्रोसेस होगी ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप कभी भी नहीं होगी। जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि बैकवर्ड प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका होगा ऑक्सीडेशन और मोर रिएक्टिव का क्या होगा, रिडक्शन, जो कि क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जब ये सारी या क्या होगी, पूरी फॉरवर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उस टाइम जब ये वर्किंग कर रही है तब तो क्या हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका होगा। उस टाइम सेल क्या करेगी, पोटेंशियल देना बंद करेगी, पोटेंशियल सेल का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि उस टाइम हमारी बैटरी जो होगी वो डेड हो जाएगी, जो डैनियल सेल है, अगर डैनियल सेल काम कर रही है बैटरी के अंदर। तो फिर हमें इस बैकवर्ड प्रोसेस को वापस रिएक्टेंट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ना, तो प्रोडक्ट को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट में, ये बैकवर्ड प्रोसेस करवानी पड़ेगी जो कि क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम इसकी क्या करेंगे, रिचार्जिंग यानी चार्जिंग करेंगे, बैकवर्ड को वापस क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोसेस करवाएंगे, फिर से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, और वो रिएक्टेंट जब ये पूरी चार्ज हो जाएगी तो उस टाइम ये रिएक्टेंट फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा और फिर से बैटरी जो होगी वो हमारी करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी के व्याप के ऊपर क्या है, फेराडे की जो यूटिलाइजेशन है वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ही फेराडे ला की यूटिलाइजेशन है या एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी हम एक फेराडे ला का न्यूमेरिकल लेंगे जो कि जेई एडवांस के लास्ट ईयर्स में आ चुका है, देखते क्या न्यूमेरिकल है वो। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये लास्ट ईयर जेई एडवांस का क्वेश्चन है, रिचार्जेबल जो हमारी डैनियल सेल है उसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये है कि देखो इसकी
रिप्रेजेंटेशन दिया, डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन है ये, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल उसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन भरा है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन 10 लीटर भरा गया है और 0.1 मोलर भरा गया है। जो हमारी रिडक्शन हाफ सेल उसमें 10 लीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरा है 0.1 मोलर, और दोनों की एसओपी वैल्यू दे रखी है, Zn2 पॉजिटिव एसओपी वैल्यू दे रखी है जिंक की और कॉपर की। उसके बाद अब ये कह रहा है इफ 96.5 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 200 सेकेंड बिफोर यूजिंग द बैटरी, जो जिस बैटरी के अंदर डैनियल सेल काम कर रही है उस बैटरी को जैसे बनाया, बनाते ही उसको यूज़ नहीं किया, उसकी डिस्चार्जिंग नहीं करवाई, बिल्कुल स्टार्टिंग में रिएक्शन होने से पहले ही उसको क्या किया, रिचार्ज कर लिया, यानी कि 96.5 एम्पीयर करंट 200 सेकंड के लिए पहले उसको दिया, बैटरी को इतना चार्ज उसको सप्लाई किया स्टार्ट होने से पहले, और उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब चार्ज दोगे तो क्या होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगी। तो पहले क्या किया, बैटरी को यूज़ करने से पहले ही उसको 96.5 एम्पीयर करंट 200 सेकंड के लिए दिया और उसके बाद उसका यूज़ किया बैटरी का। तो कह रहा है कि अब बैटरी कितना सेल पोटेंशियल, बैटरी का जो सेल पोटेंशियल है यानी कि बैटरी कितना पोटेंशियल डेवलप करेगी, अब कितना पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करेगी, तो इस मतलब यहाँ पर क्या होंगी, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों की यूटिलाइजेशन होगी। तो स्टार्टिंग में हमारी जो गैल्वेनिक सेल है उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, उसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है, एनोड जिंक का बना हुआ होता है और कैथोड रोड जो है कॉपर का बना हुआ होता है। इसमें जेडन जिंक सल्फेट भरा है, जेडन टू पॉजिटिव आयन और इसमें Cu2 पॉजिटिव आयन भरे हुए हैं। तो प्रोसेस क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे और चार्ज ये प्रोड्यूस करेगी। तो ये तो कब होगा, जिंक एक्ट एज एनोड एंड कॉपर एक्ट एज कैथोड व्हेन इट एक्ट एज गैल्वेनिक सेल, यानी कि ड्यूरिंग गैल्वेनिक सेल, यानी कि ड्यूरिंग क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, जब हमारी सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, वर्किंग कर रही है। तो नेट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, इसमें जो नेट रिएक्शन होगी, जिंक जो होगा वो Zn2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, कॉपर सॉल्यूशन वाले कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होंगे वो कॉपर के रूप में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो डिस्चार्जिंग के दौरान जो नेट रिएक्शन होगी वो हमारी कौन सी होने वाली है, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इंटू कॉपर प्लस जिंक, ये नेट रिएक्शन होगी डिस्चार्जिंग के दौरान। अब हमें क्या करना है, पहले इसको क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह बिहेव कर रही है, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज देंगे तो उस टाइम जब ये इलेक्ट्रोलाइट सेल का काम करेगी यानी कि हम इसकी रिचार्जिंग कर रहे हैं तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिचार्जिंग हो रही है मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस चल रही है, रिवर्स प्रोसेस लिख रही हूँ मैं इसकी। रिचार्जिंग के दौरान यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक और कॉपर Zn2 पॉजिटिव आयन, जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन में कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में, ये तो डिस्चार्जिंग के दौरान है। रिचार्जिंग यानी कि किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट कर रही है अभी ये, तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी। कॉपर जो होगा वो Zn2 पॉजिटिव आयन, इस Zn2 पॉजिटिव आयन का हो जाएगा रिडक्शन और कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस होगी। अब देखो उल्टा बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो रही है प्रोसेस, यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल रिवर्स हो गया, अब इलेक्ट्रॉन अब कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेगा, कब, रिचार्जिंग के दौरान, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से कहाँ होगा, जिंक की तरफ, तभी तो Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक में कन्वर्ट होंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे किस में कन्वर्ट होंगे, जिंक में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब अब हमारा जो कॉपर रोड है वो किसका काम करेगा, वहाँ ऑक्सीडेशन चल रहा है तो एनोड का काम करेगा, और ये जो हमारा जिंक रोड है ये किसका काम करेगा, कैथोड का, बिल्कुल टर्मिनस जो होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, जो कैथोड वो एनोड बन जाएगी, एनोड कैथोड है, और जो नेट रिएक्शन वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। इनको हम काफ़ी डिटेल से और एग्जांपल भी लेंगे जब हम बैटरी को डिटेल से करेंगे, फिलहाल तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस जो होगी ये चलेगी, अब इस प्रोसेस में देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रिचार्ज कर रहे हैं, इसको चार्ज दे रहे हैं, तो ये वाली प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि मोल जो है जिंक, जिंक जो होंगे उसके कितने मोल डिपॉजिट हो जाएंगे, और कॉपर जो होगा कॉपर टू पॉजिटिव आयन के आयन कितने बन जाएंगे। तो यहाँ इस लैड रिएक्शन से आपको एक बात तो पता चल रही है कि एक मोल जेडन टू पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके एक मोल जिंक में कन्वर्ट होगा, और एक मोल कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेके एक मोल कॉपर टू पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोल जो जेडन टू पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर जेडन टू पॉजिटिव आयन जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जेडन टू पॉजिटिव आयन के मोल क्या होंगे, कंज्यूम, ये होंगे कंज्यूम, और कॉपर टू पॉजिटिव आयन क्या होंगे, ये होंगे प्रोड्यूस। तो कितने जेडन टू पॉजिटिव आयन जिंक टू जिंक आयन के कितने मोल कंज्यूम हुए और कॉपर आयन के कितने मोल बने, तो मैं सीधा यहाँ पर मोल निकालने का फॉर्मूला लगा रही हूँ फैराडे वाला। तो मोल जेडन टू पॉजिटिव आयन ये क्या होंगे, कंज्यूम जो होंगे, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या, आई इंटू पी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 कूलम। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 96.5, पी कितना है 200 सेकेंड, और वैलेंसी फैक्टर क्या है 2 × 96500 कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 96500 / 96500, यानी कि 0.1 मोल। यहाँ पर जेडन टू पॉजिटिव आयन के जो मोल कंज्यूम हुए वो कितने हैं, 0.1 मोल कंज्यूम हुए हैं, जब हमने इसको 96.5 एम्पीयर करंट 200 सेकंड के लिए दिया तो 0.1 मोल कंज्यूम हो गए। स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में हमारे पास जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलर था। तो यहाँ पर जेडन टू पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मोल निकाल सकते हैं ना, मोल जेडन टू पॉजिटिव आयन टी जीरो के ऊपर जो मोल जेडन टू पॉजिटिव आयन थे वो कितने थे, मोल कैसे निकालते हो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 10 लीटर, मोलरिटी है 0.1, तो एक मोल। स्टार्टिंग में जेडन टू पॉजिटिव आयन कितना भरा हुआ था, एक मोल भरा हुआ था, कंज्यूम कितना हो गया, 0.1 मोल। कितना मोल रह गया, जो मोल जेडन टू पॉजिटिव आयन रह गया वो कितना रह गया, 1 - 0.1, यानी कि 0.9 मोल लेफ्ट रह गया। अब जेडन टू पॉजिटिव आयन जो बचा हुआ है वो 0.9 मोल लेफ्ट रह गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालें तो कंसंट्रेशन जेडन टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो जेडन टू पॉजिटिव आयन की ये कंसंट्रेशन है, अब रिचार्जिंग करने के बाद, ये चार्ज देने के बाद। इसी तरह से कॉपर टू पॉजिटिव आयन कितना प्रोड्यूस होगा, तो अब निकालेंगे मोल कॉपर टू पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस, सेम ऐसे ही निकालेंगे हम, मोल कॉपर टू पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, कॉपर टू पॉजिटिव आयन, मोल कॉपर टू पॉजिटिव आयन ये प्रोड्यूस हो रहे हैं इस प्रोसेस में, देख रहे हो, तो प्रोड्यूस होंगे, तो आई इंटू पी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500, आई इंटू पी क्या है 96.5 × 200, वैलेंसी फैक्टर कॉपर टू पॉजिटिव आयन का कितना है 2e है, 96500, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। कॉपर टू पॉजिटिव आयन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 0.1 मोल प्रोड्यूस होंगे, और पहले कितने थे कॉपर टू पॉजिटिव आयन के मोल, टी जीरो के ऊपर मोल जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन के थे वो कितने थे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल लोगे तो 1 मोल था। पहले कॉपर टू पॉजिटिव आयन के मोल कितने थे, 1, और प्रोड्यूस हो गया 0.1। अब मोल टोटल कितने हो गए, 1 + 0.1 = 1.1 मोल। रिचार्ज करने के बाद कॉपर टू पॉजिटिव आयन के जो टोटल मोल आए हैं वो हमारे पास कितने आए हैं, 1.1 मोल। तो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कॉपर टू पॉजिटिव आयन की, कंसंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर। तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद 1.1 / 10, और जेडन टू पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन 0.19 / 10। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो चुकी है, इसने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उस टाइम सेल जो पोटेंशियल डेवलप करेगी वो निकालना है। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्या होगा, अब बैटरी यूज़ होना स्टार्ट कर देगी, यानी कि अब हमने इसको सप्लाई देना बंद कर देंगे तो अब चलेगी डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अब बैटरी यूज़ होगी तभी तो सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी, चार्ज प्रोड्यूस करेगी। तो उस टाइम जो प्रोसेस चल रही है डिस्चार्जिंग के दौरान, ये प्रोसेस चल रही है। अब ई सेल निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल निकालने का फॉर्मूला है, नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू
ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 ऑफ रिएक्शन क्यूसेंट। तो ई नोट सेल हम यहाँ से जो हमारे पास एसओपी वैल्यू दे रखी है दोनों की, उससे ई नोट सेल निकाल लेंगे। इसे ई नोट सेल निकालो तो एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ई नोट आ गया हमारे पास 1.1 वोल्ट, 0.0591। अन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन क्यू सेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ लॉग 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव। अभी हमने क्या किया था, जेड एन टू पॉजिटिव और कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही निकाली थी। 96.5 करंट 200 सेकंड में सप्लाई करने के बाद हमने देखा था कि जेड एन टू पॉजिटिव आयन, स्टार्टिंग में जेड एन टू पॉजिटिव आयन का एक मोल था, कंसंट्रेशन इसकी कितनी थी 0.1 मोलर, लेकिन अब कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.9/10 और कॉपर टू पॉजिटिव आयन की 1.1/10। तो वो पुट करेंगे, अब जो कंसंट्रेशन आई है तो 1.1 माइनस 0.0591/2 लॉग 10, जेड एन टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आई थी 0.9/10 और सी यू टू पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 1.1/10। तो ये इतना जो होगा हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये इस कुछ और न्यूमेरिकल हम बाद में भी लेंगे जब इन बैटरी को हम डिटेल से लेंगे, अभी हम प्राइमरी सेकेंडरी और जो फ्यूल सेल हैं उनको डिटेल से लेंगे, उस टाइम भी हम फेराडे का यूटिलाइजेशन देखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फेराडे लॉ के बेस पर।